पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव हिरनखेड़ा के ग्रामीणों ने आज रोष जताते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई भी ग्रामीण मतदान नहीं करेगा। ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव हिरनखेड़ा में एक ही मेन रोड है जो काफी समय से गड्ढों में तब्दील हुआ पड़ा है, जिसे देखने कोई भी पार्टी का नेता आज तक गांव हिरनखेड़ा में नहीं पहुंचा। सभी नेताओं व अधिकारियों की चौकट पर चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। जब विकास ही नहीं होता तो किस बात का वोट दें? दो वर्ष पहले ही विधानसभा चुनाव में विरोध करने पर अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर चुनाव परिणाम के बाद सड़क बनवाने का वादा किया था। अब फिर चुनाव आ गए हैं, इस बार कोई वादा नहीं माना जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि पहले रास्ता सही कराओ, उसके बाद मतदान होगा। रास्ता नहीं तो वोट नहीं। सब ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर जमकर नारा लगाया है। अब देखना यह है कि नेता लोग हिरनखेड़ा गांव जाकर अपनी चुनावी रोटी सेकते हैं या नहीं। फिर भी गांव वाले उन्हीं गड्ढों में गिरकर अपने हाथ पैर तोड़ते रहेंगे और नेता लोग इसी तरह से अपनी राजनीति रोटियां सेक कर अपना काम निकाल कर जाते रहेंगे। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में वोट देने से साफ इनकार कर दिया है। मेरा सत्यवान सिंह नाम है। हमारे गांव का हिरनखेड़े से और रामपुर रोड जो संपर्क मार्ग है हाईवे, बीच में 2 किलोमीटर कच्चा है। कई सालों से यहां प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सांसद जी से कई बार कहा, उनके एप्लीकेशन काफी बड़ी है, और डीएम साहब से भी कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आश्वासन देते रहे लेकिन काम पूरा नहीं किया। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारी ये रोड पड़ जाए, तभी वोट होगा। मैं भानु प्रताप सिंह। मामला यह था, 25-30 वर्षों से हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का ये मुख्य रास्ता है और गणेशपुर से होते हुए ये कोसी के पुल हाईवे से जोड़ता है। इस पर सेफनी, रोंडा झोंडा, जगमपुरा और भीतकड़ा होते हुए हिरनखेड़ा से निकलते हैं। ये रास्ता आज तक किसी भी सांसद, किसी भी विधायक, किसी भी जिला पंचायत के सदस्य ने या ब्लॉक के अधिकारी, जनपद के अधिकारी, किसी ने भी हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया। हमने बहुत समय से इसकी मांग उठाई है। कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। बाढ़ आती है तो हमारे गांव के करीब 3 बच्चे डूब कर इसमें जो है अपनी जान खो चुके हैं, और लंबे अरसे से हमारी मांग है। और जब तक हम जिला प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को ये ऐलान करते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारी ये सड़क पूरी नहीं होती है, तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव में कोई भी नेता किसी प्रत्याशी के साथ या कोई प्रत्याशी को लेकर आते हैं, गांव में नहीं घुसने देंगे। पहले रोड, उसके बाद में वोट, और अन्यथा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम वह करते रहेंगे। और हम सभी ग्रामीण एकजुट हैं, और हम जो है जब तक आराम से नहीं बैठेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हमारे गांव में सफाई कर्मी 2 नियुक्त हैं और कई महीने से नहीं आ रहे हैं, सालों से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में कोई, हमने लिखित में शिकायत दी है, उस पर कोई अमल नहीं किया। और हमारे जो भीतकड़ा में हमारे गाँव से जब घुसते हैं तो 1-1 फीट पानी वहाँ रोड पर भरा रहता है। कई बार हमारे गांव के बुजुर्गों ने और सम्मानित लोगों ने और काफी उस पर जो है प्रयास किया, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर सुनने को और आने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी के अलावा हम किसी की बात नहीं मानेंगे, और हम गांव में किसी भी नेता को, प्रत्याशी को घुसने नहीं देंगे। ये हमारा वचन है और हमारा ऐलान है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी ये रोड नहीं बनेगी, तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और हम वोट चुनाव का